और YouTube चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो का टॉपिक है कि एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में अपनी एक सीट सुनिश्चित कैसे करें। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम में जिसमें 2557 पोस्ट की वैकेंसी आई है और 2557 पोस्ट की वैकेंसी में सिविल ब्रांच के लिए कितनी सीटें हैं, तो 1700 सीटें हैं। उसके अलावा जैसे कि हम अपनी सीट 160 प्लस स्कोर या अंडर 100 के अंदर रैंक कैसे लाएं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम का पैटर्न जो कि 200 मार्क का होता है, उसमें 100 मार्क जो कि टेक्निकल होता है और 100 मार्क नॉन टेक्निकल होता है। 100 मार्क नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और MPGK और GS सब्जेक्ट आती हैं। वहीं टेक्निकल सब्जेक्ट में आपके ब्रांच से रिलेटेड आती हैं। तो जैसे कि हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि अंडर 100 रैंक और 160 स्कोर करना है। दूसरा टारगेट होना चाहिए कि 200 पेपर होता है, तो जैसे टेक्निकल में आपको 100 में से 85 लाना होगा और नॉन टेक्निकल में, और टेक्निकल में 80 प्लस। उसके बाद जैसे हमारे माइंड में हमेशा ये चलना चाहिए कि 2500 सीट नहीं है, 2557 सीट है, लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1700 सिविल ब्रांच के लिए सीट हैं। 1700 सिविल ब्रांच में से अगर हम 27% काउंट करें, 27% कैसे, तो जैसे कि मध्य प्रदेश में 73% रिजर्वेशन अलग अलग कम्युनिटी को मिलता है, जैसे कि EWS को 10%, EWS, SC, ST, OBC, इन सब को मिला के 73% रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके अलावा बचता कितना है, तो 100% में 27% बचता है। तो अगर हम 1700 का 27% करें, तो 1700 का 27% अगर हम करते हैं तो रफली हमें मिलता है 459। तो अगर 459 देखें तो सीट इतनी बचती है। तो आपको जनरल कैटेगरी टारगेट करके ही पढ़ना है और उसके अलावा अदर स्टेट। तो 27% में कौन कौन लोग होते हैं, तो 27% में जो अदर स्टेट के लोग हैं वो आ जाते हैं और मध्य प्रदेश के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो आ जाते हैं। तो उनके लिए 460 सीट है। तो अगर 460 सीट में अगर आपको आना है तो आपको अंडर 100 रैंक के अंदर रैंक लानी पड़ेगी, यानी 160 प्लस स्कोर करना होगा। दूसरा कि आपको कैसे पढ़ना है, तो जैसे कि आपको पूरे फार्मूले रिवाइज करना है। तीसरा आपको टेस्ट सीरीज रोज देना है जिससे आपको एनालिसिस और पता चलता रहे। तो आइए देखते हैं कैसे क्या वेटेज है सब्जेक्टिव का और कैसे स्कोर करें। जैसे कि हम सब इंजीनियर एग्जाम में बात करें तो हिंदी में 14 मार्क का आता है, इंग्लिश जो कि 14 मार्क का, मैथमेटिक्स 14, कंप्यूटर, रीजनिंग, साइंस और GS, ये सारे क्वेश्चन 7 सब्जेक्ट होती हैं और सात सब्जेक्ट रफली 98 मार्क की हो जाती हैं। उसके बाद जैसे कि GK पोर्शन में क्या आता है, तो GK पोर्शन में करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, MPGK के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, हिस्ट्री के 4 आ जाते हैं, उसके अलावा अदर 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस आ जाते हैं। तो इस तरह से 100 मार्क का क्वेश्चन होता है, 100 मार्क का एक सेक्शन हो जाता है नॉन टेक्निकल पोर्शन, और अगर नॉन टेक पोर्शन में से 85 प्लस भी स्कोर करते हैं तो आपका इससे ये सेक्शन अच्छा रहेगा। उसके बाद आते हैं टेक्निकल में। तो टेक्निकल जैसे कि हम सिविल ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जैसे कि सॉइल मैकेनिक, सर्वेइंग, हाईवे इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल, ये 4 सब्जेक्ट सब इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनसे लगभग 10-10 मार्क का वेटेज होता है। उसके बाद अगली सब्जेक्ट आती है RCC, फिर स्टील, फिर बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल अगेन एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। क्यों वेटेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि सब इंजीनियर जो एग्ज़ाम है ये डिप्लोमा बेस एग्ज़ाम है, और डिप्लोमा बेस एग्ज़ाम में जो कि मटेरियल वाले सब्जेक्ट या टेस्टिंग वाले सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। उसके बाद अगली सब्जेक्ट आती है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, CPM पार्ट और ओपन चैनल फ्लो। इस तरह से सिविल ब्रांच की सभी सब्जेक्टें होती हैं और इन सबको मिला के कितने मार्क का पेपर बनता है, तो 100 मार्क का। अगर आप इसमें से 80 प्लस भी करते हैं तो 80 प्लस इधर से और इधर से 85 प्लस, दोनों मिला के 165 प्लस हो जाते हैं। तो 165 प्लस हो जाएगा तो 100% चांस बन जाएगा सिलेक्शन का। तो टेक्निकल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टेक्निकल के लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, तो जितने फार्मूले हैं सारे फार्मूले एकदम याद रहने चाहिए। दूसरा फैक्टर है कि वन लाइनर जितने पॉइंट हैं
वन लाइनर या फैक्ट हैं वो सारे याद होने चाहिए। तीसरा कि प्रीवियस ईयर पेपर को करना होगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना होगा जिससे टेस्ट सीरीज के हिसाब से ही पेपर बनते हैं, और टेस्ट सीरीज देते से हमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसके अलावा हमें टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ों का बैलेंस करने को आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट उसके अलावा सब्जेक्ट का वेटेज और ये सब समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से सिविल ब्रांच की ये सब्जेक्टें होती हैं और जीके जीएस की। और दूसरा नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए क्या करें, तो नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए पहले तो एमपी की कोई बुक खरीद लें जैसे परीक्षा दाम बुक हुई या कोई भी, उसके बाद करंट अफेयर भी तैयार कर लें, उसके अलावा हर सेक्शन को पढ़ें जैसे कि कंप्यूटर तो कंप्यूटर के लिए लूसेंट पढ़ लें, उसके बाद हिंदी इंग्लिश हिंदी के लिए जैसे कि आप कैरियर विल टीचर सर से कैरियर विल के सर से जैसे अरुण सर से पढ़ सकते हैं, उसके अलावा इंग्लिश के लिए अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप वोकैब सेक्शन और सिनोनिम्स एंटीनोमिस शब्दों को कम से कम 300-400 शब्दों को याद कर लें जिससे कि आपको कम से कम 14 में से 12-13 क्वेश्चन सही हो जाएं। उसके बाद जैसे मैथमेटिक्स के लिए आपको फार्मूले और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से करते हैं तो नॉन टेक पोर्शन में 85 प्लस स्कोर कर लेंगे और टेक्निकल में 80 प्लस और दोनों मिला के 160 हो जाते हैं, और जिससे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और सीट जैसा कि आपको पता ही है कि 2557 सीट है जिसमें से सिविल ब्रांच के लिए 1700 सीट है, और उसमें भी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 460 सीट आएगी, उसमें से भी आपको सीट सिर्फ एक लेनी है तो एक सीट के लिए आपको करना होगा 160 नंबर लाना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह की वीडियो को जानने देखने के लिए और समझने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24x7 को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और इसके अलावा जैसे प्रिपरेशन को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 200 से प्लस से ज़्यादा वीडियो जो कि सब इंजीनियर एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई हैं, जिसमें से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का डिस्कशन किया गया है, जिसके चारों ऑप्शनों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से टॉपिक पर क्या है, तो वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कशन देख सकते हैं। इसके अलावा तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर चीज़ों का अपडेट मिलता रहे और सटीक और सही जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।